268 रुपए का शैम्पू मंगवाया था मैंने, और उसके रिजल्ट चेक करें, इतने सिल्की और शाइनी हुए हैं बाल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूँ नताशा वकास। ट्राइपॉड क्या हुआ। ओके जी, आज की वीडियो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डीएम आए थे काफी, कोई अच्छा शैम्पू बताएं जो अफोर्डेबल और हम सब लोग अफोर्ड कर सकें उसको, क्योंकि हम सब इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं, जो कि शुरू से करना चाहिए था सबको कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। ऑल्दो अगर आप पाकिस्तान नहीं प्रमोट करना चाह रहे हो ना, एटलीस्ट आप इजरायली प्रोडक्ट्स प्रमोट ना करें। और मैं इतना खुलकर यूट्यूब पे इस बारे में बात कर रही हूँ इससे पहले कि वीडियो डिलीट हो जाए। खैर कोई बात नहीं, मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कि आप कोई पाकिस्तानी शैम्पू बता दें, या फिर एटलीस्ट कोई ऐसा शैम्पू बता दें जो हम लोग अफोर्ड कर सकें। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगेन मैंने दराज से अपने लिए शॉपिंग की थी, तो वहां पर मैंने मेक ले लंदन शैम्पू मंगवाया था, जो कि मैं काफी टाइम पहले ही मैंने यूज किया था। उसके बाद मैंने अब दोबारा मंगवाया शैम्पू। उसका रीजन ये था कि ना हम पैंटीन यूज कर सकते हैं, ना सनसिल्क यूज कर सकते हैं, ना लॉरियल यूज कर सकते हैं, ना ट्रेस्मे यूज सकते हैं, और जो कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स के शैम्पूज हैं वो इतने महंगे वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए ये शैम्पू जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं इसको आपके सामने यूज करूंगी और आप देखिएगा, जैसे भी आपको मेरे बाल नजर आ रहे हैं ना, सही सिल्की शाइनी हुए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था, मैं आज भी शेयर करूंगी वही शैम्पू। दराज से मैंने मंगवाया था इनका, मैंने मेकले फेस वॉश भी मंगवाया था, और ये मेकले शैम्पू भी जब मैंने दराज के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की थी तब मैंने आपको दिखाया भी था। इसकी ना इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने वैसे इम्तियाज से लिया था, बहुत ही अच्छा शैम्पू है ये। सबसे अच्छी बात ये है कि बालों को ड्राई नहीं करता, हेयर फॉल भी कंट्रोल करता, और इसके अलावा बालों को लंबा भी करता। एक और सबसे अच्छी बात है कि SLS फ्री है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सेफली यूज, और इतना रीजनेबल है कि हर कोई इसको इजिली अफोर्ड कर सकता है, और जिसके ऑनर है वो भी पाकिस्तानी है। सो इसकी जो टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरीके का इसका टेक्सचर है। बाकी यूज करके रिजल्ट दिखाती हूँ आपको, बालों के ऊपर आपको नजर आ रहा है ऑयलिंग हुई हुई है। सो हेयर वॉश करती हूँ आपके सामने ताकि आपको रिजल्ट्स का भी आइडिया हो जाए। वैसे मेरी बहुत ज्यादा जो व्लॉग वाली ऑडियंस है वो ऑलरेडी इसको यूज कर रही है, उसके रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। और वीडियो बनाने का मकसद भी है कि इतने डीएम आ रहे थे ना कि आपकी कोई अफोर्डेबल शैम्पू बताएं, कोई अफोर्डेबल शैम्पू बताएं, तो इससे अच्छा शैम्पू मुझे नहीं समझ में आता कि कोई अफोर्डेबल हो और इतने अच्छे उसके रिजल्ट हो, क्योंकि जितना भी शैम्पू है ना सारे बहुत एक्सपेंसिव है। इवन लोकल ब्रांड्स भी है ना, तो उनके भी शैम्पू जो है वो 1000 से ऊपर चले जाते हैं, तो ये उसमें मुझे सबसे अफोर्डेबल नजर आता है और हर कोई बंदा इसको इजीली बाय कर सकता है। तो मैं टाइम वेस्ट के बगैर इसका बालों यूज करके दिखाती हूँ रिजल्ट्स कैसे हैं। ओके जी, आपको नजर आ रहा है मैंने बालों को गीला कर लिया है, और अब है जी ये शैम्पू की बारी। तो शैम्पू लेके आपके सामने यूज कर दूँ ताकि आपको रिजल्ट का भी आइडिया हो जाए। टेक्स्चर इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, मतलब मेरी कोशिश होती है कि भाई आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करूँ जो कि बहुत इकोनॉमिकल हो, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव ना हो। सो ये बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट है, आपको पता है शैम्पू जो है ना वो थोड़ा सा डायल्यूट करके यूज करते हैं, इस शैम्पू का ये वाला सीन नहीं है, क्योंकि इसका टेक्सचर इतना अच्छा है ना कि ये इसको डायल्यूट नहीं भी करोगे तो चलेगा। और बालों की लेंथ में नहीं लगा रही, क्योंकि जब मैं वॉश करूंगी तो ऑलरेडी जी लेंथ में लगता हुआ चला जाता है शैम्पू। हल्का सा पानी लगाते हैं फिर उसके सामने दिखाती हूँ आपको कैसा यूज होता है। हल्का सा पानी लगा लिया मैंने, अब इसको यूज करके दिखा रही हूँ, ये देखें पानी मुंह पे भी आ रहा है, लिपस्टिक लग गए बाथरूम को यार। ये देखें इतना कमाल शैम्पू है ना यार, इससे ना आपने अच्छे से बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया, और माशाल्लाह देख लें आप कि लेंथ भी बालों की काफी अच्छी है, और बाल माशाल्लाह वॉल्यूम वाइज भी है मेरा। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करेंगे, और मैंने इसलिए पहना कि सर्दी ना लगे, मुझे सर्दी के अच्छे खासे कपड़े लगे हुए हैं इस तरीके से। आपने ना अच्छे से जो है ना मसाज करना है इसका। अच्छा, बालों की लेंथ पे ना शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बालों की लेंथ जो है ना वो ऑलरेडी ड्राई होती है, और बार बार उसको शैम्पू करते हैं तो वो दो मुंह बाल हो जाता है। जब आप बाल वॉश करते हो तो ऑलरेडी पानी बहता हुआ चला जाता है। अच्छे से जी 5 मिनट मसाज किया, और आपका हेयर फॉल भी नहीं करता ये शैम्पू, और बालों को भी अच्छा करता है, सिल्की। ये देखें अच्छे से मैंने मसाज किया, अब मैं इसको वॉश करूंगी, और वॉश के बाद रिजल्ट देखना इसके। मैं कंडीशनर यूज नहीं करूंगी, आप देखना कंडीशनर के बगैर भी कितने अच्छे इस शैम्पू के रिजल्ट है। वो आपको सामने नजर भी आ रहा होगा, फेस वॉश रखा हुआ है सेम ब्रांड का वाइटनिंग फेस वॉश मैंने रखा हुआ है, ये 300 कुछ का है, ये बहुत रिजनेबल और पूरा महीना चल जाता है। और बकवास के लिए मैंने मंगवाया हुआ एक नहीं वाला, सो कमाल रिजल्ट नहीं है, चेक करें। अब इसको 5 मिनट लगा लेने देती हूँ बालों में, उसके बाद बाल वॉश करती हूँ, हाथ धो लो। ओके सर भाई, तो बाल हो गए मेरे वॉश, और आप देख लें अभी मैंने कोई कंडीशनर भी नहीं किया, आपको शाइन तो ऑलरेडी नजर आ रही होगी बालों के अंदर, खोल खोल के भी दिखा रही हूँ आपको, और आपको पिक से भी दिखा देती हूँ कितने ज्यादा सिल्की शाइनी लग रहे हैं बाल। अब जैसे ही बाल सूखते हैं ना, क्योंकि मैंने अपने बालों को ब्लो ड्राई नहीं करना, अब जैसे सूखते हैं बाल फिर आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है, तब तक आप वेट करें। ओके जी, देखें अभी बाल अभी भी हल्के हल्के गीले हैं, बट आपको ये दिखा देते हैं, देखें बाल कितने सॉफ्ट
शाइनी और सिल्की हो गए, देखें कितने मजे के बाल हो गए। और यार डेंड्रफ वगैरह हर चीज का इशू जो है खत्म कर देता है। अब थोड़ा सा रेडी होकर आती हूँ ताकि मैं अच्छी लगूं, तब तक बाल फुल ड्राई आ जाएंगे। मैं इसलिए कोई कंडीशनर वगैरह भी नहीं करती हूँ बालों में। सो शैम्पू का रिजल्ट आप लोगों के सामने, आप देखें बाल कितना सिल्की शाइनी हुआ हुआ है। और ना मेरा जो फ्रंट का पफ था ना, ये बिल्कुल इतना इतना कटा हुआ था, मतलब बिल्कुल आइस तक था। मेरा फ्रंट का पफ भी जो है वो बहुत जल्दी माशाल्लाह लंबा हुआ है, बहुत ज्यादा जल्दी। और छोटे छोटे काफी सारे नए बाल निकले, ये देखें इतने सारे छोटे छोटे बाल निकले। इवन यहाँ पे भी छोटे छोटे बाल खड़े होते हैं, मैं लाइव करती हूँ, लड़कियां नोटिस कर रही होती हैं आप कितने सारे न्यू बाल निकले। और फ्लिक जो है वो मेरा यहाँ तक आ गया है, और जो यहाँ वाली लटकी वो यहाँ तक चली गई। फिर इसके नीचे जो मेरे स्टेप्स कटे हुए थे, सारे मेरे स्टेप्स बहुत जल्दी बढ़े हुए हैं। और माशाल्लाह से बाल हेल्दी भी हो गया, सिल्की भी हो गया, शाइनी हो गया। और अल्लाह गवाह है कि मैंने कंडीशनर भी यूज नहीं किया, उसके बावजूद भी बाल इतना प्यारा सिल्की और शाइनी लग रहा है। सो शैम्पू बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है, इम्तियाज से मिलेगा आपको, क्योंकि ये बड़े स्टोर्स पर मिलता है, सिर्फ लोकल स्टोर्स पर मे भी आपको ना मिले, इम्तियाज से जाएगा। या आपको इसके अलावा दराज पे मिल जाएगा, क्योंकि दराज पे आपको पता है सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के दराज के ऊपर फ्लैगशिप स्टोर है, डॉलेंस हायर और स्किन केयर ले लो, जेन फॉर्म है, ये है, मेकले है, सबके जो है वो फ्लैगशिप स्टोर है। तो इसका भी है, तो ये दराज से भी आपको मिल जाएगा। और अभी जो है वो सेल भी लगी हुई है, तो बहुत इकोनॉमिकल लगा हुआ है, और आपको इम्तियाज से बल्कि महंगा मिलेगा, दराज से सस्ता मिलेगा। इसके अंदर वेरिएंट भी हैं, इसमें लॉन्ग हेल्दी हेयर के लिए, सिल्की हेयर के लिए, डैंड्रफ वगैरह सारे वेरिएंट है, मतलब ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, पर्पल कलर भी है इसमें, बहुत प्यारे प्यारे कलर है। मैंने पिंक मंगवाया था क्योंकि अर्मिश को पिंक अच्छा लगता है। अच्छा, बच्चों के लिए भी सेम यूजफुल है, सेम, बच्चे बड़े बूढ़े सब यूज कर सकते हैं। रिजल्ट आउट क्लास है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बालों को लॉन्ग करता है, क्योंकि बालों को मॉइस्चर देता है। बाल ड्राई नहीं होगा ना तो बाल टूटेगा भी नहीं, और बाल लंबा भी होगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके इसको बाय कर सकते हो। पाकिस्तानी जो है वो इसका ऑनर है, इसके सारे इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन जो है वो यूके से होती है। लोग पूछ रहे थे काफी महंगा ना हो शैम्पू और अच्छा भी हो। सो बहुत मुश्किल होता है चीज ढूंढने की, एक्सपेंसिव भी ना हो और अच्छी भी हो। सो ये वाली चीज है, आप अच्छे से इसकी पैकिंग वगैरह देख लें, दराज पर अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी लोगों ने यूज किया सब नीचे कॉमेंट में रिव्यू देना कि आप लोगों के क्या फीडबैक है इस शैम्पू के बारे में। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर बाय कर लेना। अल्लाह हाफिज़।